सो गाइस, हम आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा एक सिंपल सीनरी। तो शुरू करते हैं। ये मेरा भाई पेपर है जिसमें जरा सा प्लास्टिक है, मैंने आपको दिखाया होगा, मेरे दूसरे चैनल पर दिखाया था। तो हम यहाँ पर लगाते हैं हमारा मून, टेप का मून। ये पता नहीं कैसा टेप का मून है। तो आज मेरा भाई मेरे साथ वीडियो बनवाएगा, तो हेलो बोलो जरा। हेलो गाइस। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक, तो ये है ब्लैक, तो इसको हम लेते हैं और शुरू करते हैं। ये मैंने आर पर टेप लगा दी ताकि बाहर निकले तो हमारा फ्रेम तरह बन जाए। ब्लैक ज़्यादा भी नहीं लगाना, हर चीज़ हर रंग मुझको ज़रा ज़रा से लगाना होगा। सो गाइस, मैंने ब्लैक कलर लगा दिया है, अब हम लगाएंगे रेड कलर। तो अब रेड की डिब्बी खोल ली है, सो हम इसको लेते रंग और करते हैं। तो हमको ये रेड को ब्लैक से मिलाना भी है, इसलिए मुझको ज़्यादा रंग लेना चाहिए। तो गाइस, मैं ज़रा सा वाटर लेता हूँ जिससे अच्छी तरह से मिले। इसको ऊपर तक ले जाते हैं। तो गाइस सही से हो गया ज़रा, लेकिन रेड भी ज़रा सा ब्लैक हो गया, इसके लिए मैं ज़रा सा और रेड लगा देता हूँ। कोई बात नहीं गाइस, होने दो, हम और भी कलर लगाने हैं अभी। इसमें नीचे मैंने रेड लगा दिया है ना सही सा, इसलिए पता चल जाएगा कि ब्लैक के बाद रेड आ रहा है। बचा ले मैंने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रंग नहीं हो रहा ना, टेप से मैंने लगाया था शुरू में। तो गाइस, हमने रेड कर लिया है, अब हम लेंगे ऑरेंज। तो इसको खोलते हैं और करते हैं कलर। ऑरेंज तो रेड के साथ तो आराम से मिल जाएगा, इतनी जगह वाटर की जरूरत नहीं है ना, तो ड्राइंग अच्छी बनेगी। क्योंकि हम वाटर कलर ड्राइंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी कभी पड़ती है वाटर की ज़रूरत, तो मत ज़रा सा जब रंग ज़्यादा कड़ा चलता है ना तब। तो वैसे बस ये ऑरेंज तो पूरा होने वाला है, इसके बाद हम येलो कलर करेंगे। सो गाइस, ऑरेंज कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे येलो। सो येलो को हम करते हैं ओपन, तो येलो रंग से हम इतना कर देंगे और उसके बाद हम लाइट येलो लेंगे इतना कर नीचे ब्लैक कर देंगे, ब्लैक मतलब ज़मीन के लिए। तो पहले हम येलो कलर भरते हैं, येलो भी ऑरेंज के साथ आराम से मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सो हमको ज़्यादा इसमें भी वाटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी मैं ज़्यादा वाटर नहीं लूँगा। मुझको रेड और ब्लैक में बहुत वाटर लेना पड़ा था, ये वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा था, बार बार ज़्यादा ब्लैक ही हो रहा था, मुझको बार बार वाटर लेने की ज़रूरत पड़ रही थी उसकी। वैसे आपको यहाँ पर टेप दिख ही नहीं रही होगी जो मैंने लगाई थी मून की, मुझको भी ज़्यादा दिख नहीं रही है, कैमरे में ज़्यादा दिख रही है, यूँ तो वैसे दिख रही है ना कि टेप के टुकड़ों को जोड़ा था तो इसलिए लाइनें दिख रही हैं, इसलिए मुझको तो दिख रही है, आप कैमरे में नहीं दिख रही होगी। अगर आपको दिख रही है तो कमेंट में बताइएगा।
तो गाइस हमने येलो कर लिया है, अब हम लाइट येलो करेंगे। सो आपको लग रहा होगा कि वो वही है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वो पहले वाली। ये देखिए ये सेम नहीं है, कैमरे में सेम दिख रही है, मुश्किल सेम दिख रही है। सो इसके नेम्स अलग अलग हैं, इसका नेम है लेमन येलो और इसका है क्रोम येलो मीडियम हाई। सो ये है डार्क, ये है लाइट। सो हम इसे अब करेंगे, सो गाइस इसको हम करते हैं ओपन और इसे करते हैं यहाँ तक। उसके बाद नीचे हमारा ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक से ज़मीन, और उस जब मैंने ब्लैक कर दिया था तब हम इस मून को हटाएंगे। तो गाइस मैं अभी येलो कर रहा हूँ, लाइट येलो, आपको लग ही रहा होगा। वैसे रियलिस्टिक में तो इसका बहुत फर्क दिख रहा है येलो और लाइट येलो का। अगर आपको कैमरे में दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने इसलिए बता ही दिया, मुझको लग ही रहा था नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस हमारा लाइट येलो कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे करेंगे ब्लैक को। ब्रश को रखते हैं साइड में, येलो को हम रखते हैं, ये रब ब्लैक ऊपर भी किया था हमने, ब्लैक को हमने ओपन कर लिया है। ब्रश को अभी क्लीन कर रहा हूँ, वोट रहे यहाँ पर। तो गाइस ब्रश क्लीन है, अब हम ब्लैक करते हैं नीचे। ब्लैक को हमने मिलाना नहीं है इसमें, ब्लैक को अलग ही रखना है, जो ज़मीन है ना, ज़मीन तो मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए ब्लैक अलग ही रहने देते हैं, ब्लैक अलग ही अच्छा है। तो गाइस हमने ब्लैक कर लिया है, अब हम मून को हटाते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखने में तो लग रहा है मून निकल रहा है, तो गाइस देखिए हमारा मून निकल रहा है और पूरा निकल भी गया है, ये अच्छे से निकल तो गया। यहाँ पर हम ज़रा सा वाइट कर देंगे, वीडियो के एंड में करूँगा मैं। और ये देखिएगा गाइस हमारा मौसम का मून, मैं सोच रहा हूँ वीडियो के एंड में इस पर भी कुछ कर ही दे, मैं ट्री लिप बना दूँगा इस पर भी, उसको साइड में करते हैं। और अब मैं करूँगा ब्लैक से ट्री बनाऊँगा, पहले ट्री के ऐसे आउटलाइन करेंगे, उसके बाद इसकी डांडियाँ बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने पेड़ का क्लक्चर बना लिया है, आपको ये अलग ही लग रहा होगा, इसमें अभी हम डांडियाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं इसकी लकड़ी को कलर करता हूँ, ब्लैक से करने। तो ज़्यादातर ऐसी सीनरी में वृक्ष ब्लैक ही करते हैं, मैं तो जितनी भी ऐसी सीनरी बनाई है ना वृक्षों की, उसमें मैंने वृक्ष भी करे हैं, ब्लैक ही है मेरे सारे। वैसे जो मेरे मैंने अभी बड़ी सीनरी डाली नहीं है, मैंने दो बड़ी सीनरी भी बनाई है, इन फ्यूचर आपको वो भी देखने को मिलेगी। उसमें मैंने ट्रीज बनाए हैं, वो ट्री भी आपको ब्लैक ही हैं, बस उसमें ज़रा सा ग्रीन मिक्स है, लेकिन ग्रीन दिखता नहीं है। वैसे सीनरी में सभी लोग मैंने यूट्यूब में बहुत देखा है ग्रीन मिक्स कर देते हैं, तो मैंने भी कर लिया था। सो गाइस ये ट्री के अंदर हमने कलर तो किया है, अब हम इसकी डांडियाँ बनाएंगे। तो गाइस ट्री मैंने पूरा कर लिया है, अब हम बनाते हैं पक्षी, यहाँ पर दो ही बनाऊंगा मैं। तो गाइस पक्षी बस एक तो बन गया है, और अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ दूसरा पक्षी। भाई पक्षी भी हमारे बन चुके हैं और हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके टेप को उतारते हैं और देखते हैं कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं टेप को उतारना।
ये पार्टी यहाँ से ध्यान से करना होगा वरना तो ये पार जाएगी। ये हमने एक साइड से उतार लिया, हम सारी में उतार रहे हैं। और गाइस अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि ड्राइंग कैसी लगी आपको, और अपना नेम भी लिख देना। भाई ये आखिरी साइड से है, उसके बाद ये एक मिनट गाइस ये हो गए हैं गाइस, ये निकल गई है। तो गाइस ये रहा फाइनल लुक। तो बताइए गाइस आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ड्राइंग कैसी लगी, और अपना नेम भी लिखना जो मेरे भाई ने अभी बताया। सो ये ड्राइंग तो है, अब मैंने कहा था जो इस मून पर भी हमको जो ट्री इसका बनाना था छोटा सा, ये बन सकती हैं और देखते हैं कैसा बनता है। फिर हमने ब्लैक कलर ले लिया और यहाँ पर पहले तो मैं ज़मीन सी बना देता हूँ। ये बन गई ज़मीन, छोटी सी, छोटे से पौधे पर छोटी सी ज़मीन। इसको यहाँ से, अब इसको सीधा यहाँ से टहनी। इसमें गाइस 2 मिनट में बन रही है टहनियाँ, टहनी वगैरह। इसको हम ज़रा कर दिया, ये मैंने यहाँ पर टहनी लगाई। बस कलर और इसको और लगाई है, अगर हम कम लगाएंगे ना तो वृक्ष का मज़ा नहीं आता, लगता नहीं कि वृक्ष है, इसलिए मैं तो बहुत सारी लगाता हूँ, जहाँ पर जगह दिखती है लगा देता हूँ। जैसे पूरा गोल सा होकर भर जाता है ना तब छोड़ता हूँ। और इसमें भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मैं पक्षी बना दिया, पक्षी बना दिए। तो गाइस शेरा फाइनल लुक। गाइस आप हमारे चैनल में जाकर एक वीडियो देखिए, हमने बहुत फनी वीडियो पाई है, ठीक है गाइस, वो मैंने मेरे दूसरे चैनल पर डाली है। तो गाइस देखिए ये गोल में कैसी बनी है। तो अगर ये भी अगर आपको ये अच्छी लगी तो बताना कि कैसा लगा ये गोला भी। हमारा मून कुछ इस टाइप का है और वो सीनरी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।